नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, हम इंसानों ने टेक्नोलॉजी के दम पर कई बड़े बड़े खोज कर डाले हैं। यही नहीं, हम इंसानों ने तो अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से लेकर समुद्र की गहराइयों तक छलांग लगा ली है। मगर इस टेक्नोलॉजी की दौड़ में हम पर्यावरण को भूल गए और समुद्र से लेकर अंतरिक्ष तक हमने हर जगह को प्रदूषित कर दिया, जिसके कारण हमारे साथ साथ जीव जंतुओं को भी इसका नुकसान झेलना पड़ रहा है। इस चीज़ को गंभीरता से लेकर मरीन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन प्रोमेयर ने IBM के साथ मिलकर दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप मेफ्लावर 400 बनाया है। यहाँ आपको बता दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से एक मशीन में इंसान के दिमाग की तरह डिसीजन लेने की क्षमता डाली जाती है। मेफ्लावर 400 का वजन 9 टन और लंबाई 15 मीटर है। इस शिप को समुद्री प्रदूषण के अध्ययन के लिए बनाया गया है और यह शिप चलने के लिए किसी ईंधन का यूज़ नहीं करती, बल्कि इसे चलाने के लिए इस पर सोलर पैनल लगाए गए हैं। इस शिप को तैयार करने का मुख्य उद्देश्य समुद्री जीवों को ट्रैक करना, पानी में प्लास्टिक का विश्लेषण और समुद्र में होने वाले प्रदूषण पर अध्ययन करना है। लेकिन दोस्तों, एक बात और बता दें, इस काम में यह अकेला नहीं है। इसके साथ दुनिया का पहला रोबोटिक AI ऑक्टोपस भी होगा। जी हाँ, ऑक्टोपस, जिसका नाम RT है। इसमें ऑक्टोपस के जैसे 7 हाथ लगाए गए हैं। इसका उपयोग समुद्र में फैले छोटे छोटे कचरों के जांच में किया जाएगा। फ्लावर 400 प्रोजेक्ट में कई देशों ने अपनी विभिन्न तकनीकों का योगदान दिया है। इन देशों में USA, स्विट्जरलैंड और हमारा देश भारत भी है। IBM के अनुसार इस प्रोजेक्ट में प्रोमेयर के द्वारा $1 मिलियन निवेश किया गया, लेकिन अगर इन देशों का योगदान न होता तो यह प्रोजेक्ट 10 गुना ज़्यादा महंगा होता। दोस्तों, इस शिप में काफ़ी हाईटेक चीज़ें लगाई गई हैं, जैसे 6 हाईटेक कैमरास, स्मार्ट कैप्टन, रडार्स, जो कि इस शिप के आँख और कान की तरह काम करेंगे। साथ ही साथ यह शिप वेल्स की आवाज़ें भी सुन सकती है। इसके लिए इसमें हाइड्रोफोन्स लगाए गए हैं। यहाँ बता दें कि वेल्स अपनी आवाज़ लो फ्रिक्वेंसी पर निकालती है, जिसे पानी में सुन पाना इंसानों के लिए आसान नहीं है। यह शिप खराब से खराब मौसम और समुद्र की 50 मीटर ऊंची लहरों में भी अच्छी तरह से काम करने का दम रखती है। मेफ्लावर 400 15 मई 2021 को इंग्लैंड के प्लाइमाउथ से अटलांटिक महासागर में अपनी यात्रा शुरू करेगा और इस पर एक टीम इंग्लैंड से 24 घंटे नज़र रखेगी। दोस्तों, हम भी यही कामना करते हैं कि यह पर्यावरण की रक्षा में बहुत बड़ा योगदान दे और इसी तरह जिस टेक्नोलॉजी के कारण हमने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अब हमें इस पर्यावरण को बचाना है।